वेलकम टू ईआईटी क्लासेस, माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, आपके जो ट्रिग्नोमेट्री क्विज चल रही थी तो इसको क्विज टू डाल दीजिए आप, है ना। या फिर क्विज क्या है, क्विज नंबर टू है, क्विज टू में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये आप क्विज टू डालिए, बट ये आपके लेक्चर थोड़ा अलग है, ये आपके बोर्ड के लिए नहीं है, है ना। पहली बात तो कि कॉलेज के लिए नहीं है, कॉलेज एग्जाम्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटी जी मेंस एडवांस या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उनके लिए स्पेशल लेक्चर है। ठीक है, इसमें होगा क्या, हमको सीखना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या एक्चुअल में। जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं, हम अभी अभी हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो तीन चार चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके हम इजीली आपको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आप जब सॉल्यूशन करने बैठते हो तो आपको 4 से 5 मिनट लगता ही है, तो सब्स्टिट्यूशन में आपका मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगता है, उससे भी कम लगेगा, 5 से 6 सेकंड। स्टार्टिंग में हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, बट जैसे आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, होने लगेगी। तो मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, इसमें बोलता है क्या है, सिंपल देखिए आपका, देखो जरा ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में होता क्या है, आपको बताया उसकी डोमेन क्या होती है। जैसे कॉस है तो कोई भी फंक्शन कोई भी एंगल ले लेगा, साइन है कोई भी एंगल ले लेगा। तो अगर कोई भी फंक्शन आपका किसी भी एंगल के लिए डिफाइन है, तो एक काम करें ना कि हम डायरेक्टली थीटा रख के, है ना, या एक्स वाई जेड के रख के डायरेक्टली हम ऑप्शन चेक कर लें, क्योंकि अगर एक्स लिखा गया, वाई लिखा गया, जेड गया, कुछ भी होगा वो, तभी ट्रू होगा कोई चीज़, है ना। अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो 2 = 2 भी ट्रू है, 3 = 3 भी ट्रू है, मतलब एक्स 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है। तो ऐसे आपके ऑप्शन चेक करने होते हैं। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो, ट्रिक नहीं मेथड है ना, थोड़ा सा ये टेक्निक है एक हिसाब से। ठीक है, आपके ऑप्शंस चेक करने के लिए, बट आपका इसका यूज़ कहीं भी 11th में नहीं करोगे। अगर 11th में करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलना है, ये मेनली होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के लिए, जो आपके 20 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स को वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मेंस और एडवांस में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं बोलता है कि आप स्टेप वाइज करो, उनका आंसर आना चाहिए, वो आप चाहे स्मार्ट वर्क से चलो करो, चाहे हार्ड वर्क से करो। ठीक है, बट आपके पास टाइम वहाँ बहुत कम होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हो गए, मैट्रिसेस हो गए, डिटरमिनेंट्स हो गए, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, इन जैसे चैप्टर्स में आप इनका यूज कर लीजिएगा, उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, को वहाँ यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स जेड टाइम्स ऑफ, टू नहीं है, या क्या है, जेड जेड टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस 240 डिग्री। देन आपको बोला गया है कि x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा, x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा। अब मुझे बताओ ये जो इक्वेशन लिखी गई है किसी भी एंगल के लिए ट्रू होगी, क्योंकि थीटा है, थीटा यहाँ कोई डिफाइन तो किया नहीं गया है, तो थीटा कुछ भी हो सकता है। आप तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली आप सबसे पहले इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस एंगल को कुछ आप अज्यूम कर लीजिए, है ना, 0 डिग्री। आप कैसे लोगे, पहले 0 लोगे, फिर 90 लोगे, है ना, फिर 360 ले लेना, मतलब 0, 30, 45, 90 ऐसे रख के देखो। अब देखो जरा ऑप्शंस क्या है, 1 - 1 = 2, ये 0 कब आएगा, या तो x 0 हो जाए, y 0 हो जाए, z 0 हो जाए, तभी 0 आ जाएगा। आपको ऐसे सोचना है थोड़ा सा। ठीक है, जरा ध्यान देखो, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया जाए तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। अगर थीटा आप इक्वल टू 90 डिग्री रख दो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ cos ऑफ 90 + 120 डिग्री इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ cos ऑफ 90 + 240 डिग्री, है ना। ठीक है, अब यहाँ से ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ ये चीज है cos ऑफ कितना हो जाएगा, 210, है ना। ठीक है, प्लस z टाइम इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ cos ऑफ 330, है ना। अब जब एक बार बताओ, जब एक बार इसको इक्वेट करोगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 0। जब इस इक्वेशन को इसको इक्वेट करोगे तो z इक्वल कितना आ जाएगा, 0। आया नहीं आया, मतलब देखो y भी 0 आ रहा है, z भी 0 आ रहा है। आपको पता है 3 नंबर्स में से अगर कोई मल्टीप्लाई करना है 3 नंबर्स को, कोई एक भी 0 हो गया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो x इंटू वाई इंटू जेड कितना आ जाएगा, 0। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो कितना लॉजिक है इसमें। ठीक है, आपने क्या किया, कोई एक एंगल ले लिया, क्योंकि ये इक्वेशन सारी एंगल्स के लिए डिफाइन होगी पहली बात तो। ठीक है ना, आपने एक एंगल लिया, कितना ले लिया हमने, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेंगे जो आपका आंसर कैसे करेक्ट आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, सोचने से आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने थीटा कितना लिया, 90 डिग्री ले लिया, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो वाई जेड कितना हो गया, 0 हो गया। और आपको पता है कोई भी 0, अब एक्स कुछ भी हो, है ना, फिर 90 × 0 कर दो, 0 ही तो आएगा किसी नंबर में, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर 0 ही आ जाएगा। तो x इंटू 0 इंटू 0 आंसर कितना आएगा, 0। आपका करेक्ट आंसर क्या है, C है। ठीक है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में,
शॉर्ट ट्रिक है ना, सिंप्लीफाइड तरीका, ऐसे आप लगाते हो कि यार करते रहते है ना, पहले इसको कन्वर्ट करते फिर एक्स वाई जेड में रिलेशन देखते फिर कुछ कैंसिल आउट होता तब स्क्वायर करना पड़ता कुछ भी करना पड़ता तो वो थोड़ा निर्णय बदल जाता। आप इसको 11th क्लास के हिसाब से करिएगा ठीक है, बहुत ज़्यादा जाएगा, दो पेज तो जाने जाना है ठीक है, आपके 15 से 20 मिनट लेके जाएगा जो कि 10 सेकंड में हो रहा है। आप अगर ये सब कैलकुलेशन रखो माइंड में कर लो 10 सेकंड लगेगा मैक्सिमम ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, इफ साइन थीटा बाई प्लस अल्फा डिवाइड बाई साइन कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये कॉस थीटा माइनस अल्फा है इज इक्वल टू 1 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम, देन टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा एंड टाइम पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। आपके पास 10 सेकंड है, आप 10 सेकंड में कीजिए, मैक्सिमम 10 सेकंड आपका लगना चाहिए ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें ठीक है, तो मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। अच्छा यहाँ से करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है ये भी। अब इसको अगर सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे तब इसके लिए क्या होगा तो आपको बताना होगा एम क्या होगा, तो उसके लिए क्या करें थीटा और अल्फा को सब्जूम कर लें है ना, थीटा अल्फा सब्जूम कर लें यहाँ से एम निकाल लें और इस रिलेशन में थीटा रखते हैं वही क्या होगा एम होगा, वही जिसके इक्वल होगा एम, रिलेशन देख लेंगे बाद में। अब देखो जरा करना क्या होगा, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लीजिए है ना, आपने थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया अल्फा ले लिया, अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लिया है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आप थीटा कितना ले रहे हो अल्फा कितना ले रहे हो, तो हम एक काम करें 90 डिग्री ले लें थीटा प्लस अल्फा, थीटा 45 और अल्फा 45, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा आप सिमेट्री ले लेना है ना, या दूसरा चीज करना चाहते हो थीटा आप 90 डिग्री ले लो अल्फा कितना ले लो 0 डिग्री, 90 नहीं ले सकते हो थीटा क्योंकि आपने 90 ले cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वहां पे दिक्कत आ जाएगी ठीक है। तो करना क्या है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, टेन हो गए थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लिया ठीक, क्यों क्योंकि यहाँ पे पूरा 1 बन गया, cos 0 कितना होता है 1 होता है, और दूसरा एक इसके इक्वल ले लो पाई बाई 4, ज्यादातर किससे पाई बाई 4 0 या 90 इन्हीं में से कुछ लिया जाएगा ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे रखो, आप यहाँ वैल्यू रखो तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 है ना, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4 है ना, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 0 1 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम, क्लियर है नहीं है, इतना क्लियर है आपको ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा 1 माइनस एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम निकला ठीक है, ये 1 से 1 चला जाएगा और ये आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 0, m कितना आ गया 0 आ गया, मतलब ये m आ गया आपका 0, सॉरी 2 नहीं 0 आ गया, m 0 आ गया है। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा इन्हीं के इक्वल होगा है ना, तो एक काम करें यहाँ से इस यहाँ पे थीटा रखें, यहाँ पे आप थीटा रखो जल्दी से, तो थीटा कितना आएगा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 कितना आएगा 0 आ जाएगा ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल रहा है 0 और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये आया 0 के इक्वल, और 0 क्या है हमारा m है कि नहीं है देखो, तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा ठीक है समय m 0 आ गया, ये किसके इक्वल है 0, तो कितना आ गया यहाँ से 0 ठीक है, 2m इज इक्वल टू 0 तो m कितना आ गया 0 ठीक है। आपका ऑप्शन क्या आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये रिलेशन निकल आया। आप अलग तरीके से भी कर सकते थे, अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा पाई बाई 4 ना लेते, एक पाई बाई 3 ले लेते, एक पाई बाई 6 ले लेते, तब भी हो जाता, आप मैच करा देख लो है ना, नहीं आपको विश्वास है जरा देखो ध्यान से, ये ऑप्शन आ गया ठीक है। अब बात ठीक है, तो मैथ सॉल्यूशन देखते हैं इसमें बोलता है क्या है सिंपल, देखिए आपका देखो जरा डिनोमिनेटर टर्म्स में होता क्या है आपको बताया, उसकी डोमेन क्या होती है, जैसे कॉस है तो कोई फंक्शन कोई भी एंगल ले लेगा, साइन है कोई भी एंगल ले लेगा, तो अगर कोई भी फंक्शन आपका किसी भी एंगल के लिए डिफाइन है तो एक काम करें ना कि हम डायरेक्टली थीटा रख के है ना, या एक्स वाई जेड के रख के डायरेक्टली हम ऑप्शन चेक कर लें, क्योंकि अगर एक्स लिखा गया वाई लिखा गया जेड गया कुछ भी होगा वो तभी ट्रू होगा कोई चीज़ है ना, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो 2 इज इक्वल टू 2 भी ट्रू है, 3 इज इक्वल टू 3 भी ट्रू है, मतलब एक्स 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है, तो ऐसे आपके ऑप्शन चेक करने होते हैं ठीक है। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो, ट्रिक नहीं मेथड है ना, थोड़ा सा ये टेक्निक है हिसाब से ठीक है आपके ऑप्शंस चेक करने के लिए, बट आपका इसका यूज कहीं भी 11th में नहीं करोगे, अगर 11th में करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलना है, ये मेनली होता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के लिए, जो आपके 20 मार्क्स के आते हैं वन मार्क्स को वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मेंस और एडवांस में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं बोलता है कि आप स्टेप वाइज करो, उनका आंसर आना चाहिए, वो आप चाहे स्मार्ट वर्क से चलो करो चाहे हार्ड वर्क से करो ठीक है, बट आपके पास टाइम वहाँ बहुत कम होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हो गए, मैट्रिसेस हो गए, डिटरमिनेंट्स हो गए है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया ठीक है, इन जैसे चैप्टर्स में आप इनका यूज कर लीजिएगा, उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा
जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, वो वहाँ यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। x cos थीटा इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स z टाइम्स ऑफ, 2 नहीं है या क्या है, z z टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस 240 डिग्री। देन आपको बोला गया है कि x into y into z क्या होगा, x into y into z क्या होगा। अब मुझे बताओ ये जो इक्वेशन लिखी गई है किसी भी एंगल के लिए ट्रू होगी, क्योंकि थीटा यहाँ कोई डिफाइन तो किया नहीं गया है, तो थीटा कुछ भी हो सकता है आप। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली आप सबसे पहले इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस एंगल को कुछ आप अज्यूम कर लीजिए, है ना, जीरो डिग्री। आप कैसे लोगे, पहले जीरो लोगे, फिर 90 लोगे, है ना, फिर 360 ले लेना, मतलब जीरो, 30, 45, 90 ऐसे रख के देखो। अब देखो चलते हैं ऑप्शंस क्या है, 1-1 जीरो, 2। ये जीरो कब आएगा, या तो x जीरो हो जाए, y जीरो हो जाए, z जीरो हो जाए, तब ये जीरो आ जाएगा। आपको ऐसे सोचना है थोड़ा सा, ठीक है, जरा ध्यान देखो। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया जाए तो cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो। अगर थीटा आप इक्वल टू 90 डिग्री रख दो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ cos ऑफ 90 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ cos ऑफ 90 प्लस 240 डिग्री, है ना। ठीक है, अब यहां से ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ ये चीज है cos ऑफ कितना हो जाएगा, 210, है ना। ठीक है, प्लस z टाइम इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ cos ऑफ 330, है ना। अब जब एक बात बताओ, जब एक बार इसको इक्वेट करोगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, जीरो। जब इस इक्वेशन को इसको इक्वेट करोगे तो वो z इक्वल कितना आ जाएगा, जीरो। आई नहीं आया, मतलब देखो y भी जीरो आ रहा है, z भी जीरो आ रहा है। आपको पता है थ्री नंबर्स में से अगर कोई मल्टीप्लाई करना है थ्री नंबर्स को, कोई एक भी जीरो हो गया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो x into y into z कितना आ जाएगा, जीरो। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो कितना लॉजिक है इसमें, ठीक है। आपने क्या किया, कोई एक एंगल ले लिया, क्योंकि ये इक्वेशन सारी एंगल्स के लिए डिफाइन होगी पहली बात तो, ठीक है ना। आपने एक एंगल लिया, कितना ले लिया हमने, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेंगे जो आपका आंसर कैसे करेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, सोचने से आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने थीटा कितना लिया, 90 डिग्री ले लिया, तो ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो वाई जेड कितना हो गया, जीरो हो गया। और आपको पता है कोई भी जीरो, अब एक्स कुछ भी हो, है ना, फिर 90 इंटू जीरो कर दो, जीरो ही तो आएगा किसी नंबर में, अगर जीरो से मल्टीप्लाई जीरो ही आ जाएगा। तो x इंटू जीरो इंटू जीरो आंसर कितना आएगा, जीरो। आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी है, ठीक है। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, शॉर्ट ट्रिक है ना, सिंप्लीफाइड तरीका, ऐसे आप लगाते हो यार करते रहते, है ना, पहले इसको कन्वर्ट करते, फिर x y z में रिलेशन देखते, फिर कुछ कैंसिल आउट होता, तब स्क्वायर करना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, तो वो थोड़ा नहीं बदल जाता। आप इसको 11th क्लास के हिसाब से करिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जाएगा, दो पेज तो जाने जाना है, ठीक है, आपके 15 से 20 मिनट लेके जाएगा, जो कि 10 सेकंड में हो रहा है। आप अगर ये सब कैलकुलेशन अगर माइंड में कर लो, 10 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इफ साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्या बोल रहा है आपका, इफ साइन थीटा बाई प्लस अल्फा डिवाइड बाई साइन कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये कॉस थीटा माइनस अल्फा है, इज इक्वल टू 1-m डिवाइड बाई 1+m, देन टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा एंड टैन पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। आपके पास 10 सेकंड है, आप 10 सेकंड में कीजिए, मैक्सिमम 10 सेकंड आपका लगना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है ये भी। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तब इसके लिए क्या होगे, तो आपको बताना होगा एम क्या होगा। तो इसके लिए क्या करें, थीटा और अल्फा को कुछ अज्यूम कर लें, है ना, थीटा अल्फा अज्यूम कर लें, यहाँ से एम निकाल लें, और इस रिलेशन में थीटा रखते हैं, वही क्या होगा, एम होगा, वही जिसके इक्वल होगा, एम रिलेशन देख लेंगे बाद में। अब देखो जरा करना क्या होगा, अब देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लीजिए, है ना। आपने थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लिया है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आप थीटा कितना ले रहे हो, अल्फा कितना ले रहे हो। तो हम एक काम करें, 90 डिग्री ले लें, थीटा प्लस अल्फा, थीटा 45 और अल्फा 45। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा आप सिमेट्री ले लेना, है ना, या दूसरा चीज करना चाहते हो, थीटा आप 90 डिग्री ले लो, अल्फा कितना ले लो, जीरो डिग्री। 90 नहीं ले सकते हो थीटा, क्योंकि आपने 90 लिया, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वहां पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्या लोगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा ले लिया, ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पे पूरा 1 बन गया, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा ये किसके इक्वल ले लो, पाई बाई 4, ज्यादातर किससे, पाई बाई 4, पाई बाई 4 0 या 90, इन्हीं में से कुछ लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे रखो, आप यहां वैल्यू रखो, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, sin पाई बाई 2, है ना, ये क्या आ जाएगा, sin ऑफ
पाई बाई फोर प्लस का पाई बाई फोर है ना, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है कॉस जीरो, कॉस जीरो वन आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा वन माइनस एम डिवाइड बाई वन प्लस एम। क्लियर है नहीं है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा, साइन एंटी कितना होता है वन होता है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा वन माइनस एम इज इक्वल टू वन प्लस एम निकला। ठीक है, ये वन से वन चला जाएगा और ये आ जाएगा टू एम इज इक्वल टू जीरो, एम कितना आ गया जीरो आ गया, मतलब ये एम जी एम आ गया आपका जीरो, सॉरी टू नहीं जीरो आ गया, एम जीरो आ गया है। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा, इन्हीं के इक्वल होगा है ना। तो एक काम करें यहाँ से इस यहाँ पे थीटा रखें, यहाँ पे आप थीटा रखो जल्दी से, तो थीटा कितना आया था पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर पर कितना आएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल रहा है जीरो, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये आया जीरो के इक्वल, और जीरो क्या है हमारा एम है कि नहीं है देखो, तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, एम जीरो आ गया, ये किसके इक्वल है जीरो, तो कितना आ गया यहाँ से जीरो। ठीक है, टू एम इक्वल जीरो, एम कितना आ गया जीरो। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रिलेशन निकल आया। आप अलग तरीके से भी कर सकते थे, अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा पाई बाई फोर ना लेते, एक पाई बाई थ्री ले लेते, एक पाई बाई सिक्स ले लेते, तब भी हो जाता आप लोग, तो आपको आधा घंटा लेके जाएगा, आधा घंटा नहीं 10 मिनट तो लेके जाएगा। ये साइन अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा निकालोगे, और साइन अल्फा से क्या निकालोगे, पहले कॉस अल्फा बाई टू निकालोगे, फिर क्या निकालोगे। अच्छा, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, टेन अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्या लगाओगे फॉर्मूला, कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइड बाई वन टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है ना, तो वहां से आप निकाल सकते हो, बट थोड़ा लंबा चला जाएगा क्वेश्चन है ना। तो उससे मतलब क्या है यार कि आप सिंपल देखो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे अल्फा आपका कुछ भी ले सकता है, आपको पता है ना, या एक्स कोई भी नंबर हो सकता है जिसके लिए क्या हो वैलिड हो इक्वेशन है ना, स्क्वायर रूट आपके लिए क्या हो वैलिड हो। ठीक है, तो आप एक्स को कुछ भी रख दीजिए, अल्फा निकाल लीजिए, या अल्फा कुछ दे दीजिए एक्स निकाल लीजिए, रिलेशन करा दीजिए, तो क्या रखेंगे यार जैसे रखते हैं, तो एक्स इज इक्वल कितना रखते हैं यहाँ पे जीरो रख दें, तो जीरो बाई जीरो रखोगे दिक्कत हो जाएगी, नहीं इन्फिनिटी बन जाएगा, तो जीरो नहीं रख सकते हैं, वन बाई जीरो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, रखेंगे क्या वन, एक्स इज इक्वल टू वन रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अगर वन रखोगे तो वन नहीं, आप एक काम कीजिए एक्स इज इक्वल टू टू रख दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू टू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अगर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आप टू रख रहे हो तो मैं टू वन और टू दोनों रख के दिखाऊंगा, इफ एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू पहले टू रखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू टू रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई फोर, ये आ जाएगा वन बाई टू, कितने के इक्वल होता है 30 डिग्री के, तो अल्फा बाई टू कितना आ गया 30 डिग्री, अल्फा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, अल्फा जब 60 डिग्री आ गया है तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या रखा है ना, तो tan tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है रूट थ्री, मतलब कि वन रखने के टू रखने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए रूट थ्री आना चाहिए, तो इसमें देखो टू रखो टू माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, वन बाई रूट थ्री आ रहा है, यहाँ देखो टू माइनस वन बाई टू वन बाई रूट टू आ रहा है, यहाँ देखो फोर माइनस वन क्या रहा है रूट थ्री आ रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा थ्री स्क्वायर, देखो आपने क्या रखा है एक्स इज इक्वल टू रखा है टू स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव आ जाएगा रूट फाइव, तो ऑप्शन कौन करेक्ट हुआ ये, आपने एक्स क्या रखा है टू रखा है तो टू रखो जरा यहाँ पे, तो क्या निकलेगा टू माइनस वन बाई टू प्लस वन वन बाई रूट टू, यहाँ टू रखो तो टू माइनस वन बाई टू वन बाई रूट टू है ना, वन बाई रूट थ्री सॉरी, यहाँ रखोगे तो फोर माइनस वन रूट थ्री, यहाँ रखोगे फाइव रूट फाइव प्लस रूट स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, तो आपका आपका इसके अकॉर्डिंग जब आपका एंगल 60 डिग्री था और आपका x इज इक्वल टू कितना था 2 था, एंगल 60 डिग्री निकला तो हमने tan 60 निकाल लिया, आपको चाहिए क्या tan 60, और यही किसके इक्वल होगा, यही नहीं ऑप्शंस के इक्वल होगा, हमने x कितना रखा है 2 रखा है, तो x को 2 रख के सैटिस्फाई करो कितना आएगा रूट थ्री आएगा, ये कितना आएगा रूट थ्री, और tan अल्फा कितना आया है इससे रूट थ्री आया, ऑप्शन कौन मैच कर रहा है ये वाला, सब्स्टिट्यूट किया आंसर आ गया, मुश्किल से एक मिनट लगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं नया क्वेश्चन जल्दी से है ना, इस पर थोड़ा सा आपका ट्रिक लगेगी, ये फॉर्मूला होता है ट्रिक नहीं लगती है, इसका पूरा डेरिवेशन होता है। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफिकेशन से आपका आता चला जाता है, आपको करना है जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको फॉलो करना है। ठीक है, जहाँ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो वहाँ अप्लाई कर देना, नहीं का नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, आपके अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा 10 सेकंड 5 सेकंड देने में क्या होता है यार, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको मेथड दूसरा बताइए जो मैंने पढ़ाया अभी तक। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, मैंने बोला था कि आप कोई थीटा रख देना वहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा है ना, तो जरा रखो यहाँ पे अगर कॉस थीटा जीरो रख दिया जाए, लेकिन यहाँ पे देखो सब में थीटा है, अगर जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, जीरो नहीं रखोगे उसके बाद 30 नहीं रखोगे, तो आपको थोड़ा टफ हो जाएगा यहाँ से एंगल्स को निकालना फिर कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको वो भी तरीका सही है कि अब मैं दोनों मेथड्स करूंगा, आप एंगल निकाल के भी करोगे घर पे जाके, ठीक है, कैसे जैसे मैंने बताया था, एंगल निकाल करोगे, ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा फिर यहाँ पे रखोगे वही मैच करना चाहिए, जो मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा यहाँ पे। और अगर आप सी प्लस डी लगाओगे, इसमें सी प्लस डी, फिर जो आएगा फिर इसमें सी प्लस डी, फिर जो आएगा इसमें सी प्लस डी, फिर इसमें सी प्लस डी, तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा यार, थोड़ा टफ हो जाएगा ये, है ना। तो इसके लिए करेंगे क्या, सोचो जरा ध्यान से, अगर कुछ ऐसा हो जाए हमको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पता चल जाए, है ना। देखो ऊपर साइन थीटा वन, साइन थीटा टू, साइन थीटा थ्री, साइन थीटा फोर है, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से, इफ साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा थ्री कितने तक जाएगा, एन एंगल्स तक, कितने एंगल मैक्सिमम हो सकते हैं, एन एंगल्स हो सकते हैं, साइन थीटा एन तक चला गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहा है, कॉस आ रहा है, तो कॉस थीटा वन प्लस कॉस ऑफ थीटा टू प्लस कहाँ तक जा रहा है, एन एंगल्स तक, तो क्या आएगा, कॉस थीटा एन इज इक्वल टू होता है टेन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस प्लस का थीटा एन, ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है। करना क्या है, ये आ गया है आपका, आया है सिंप्लीफिकेशन से, है ना। या तो आप एक काम करो, ये थोड़ा सा याद कर लो, याद करने में क्या जाता है, रटने वाली चीज तो है नहीं, एक बार देख लो कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है क्या। एक्चुअली देखो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर, यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा, यहाँ फाइव यहाँ, यहाँ थीटा वन यहाँ भी थीटा वन होना चाहिए, यहाँ थीटा टू यहाँ थीटा टू होना चाहिए, ये आपका डिपेंड, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखो, अगर इसको डायरेक्टली यहाँ रखा जाए तो थीटा वन थ्री थीटा, थीटा टू फाइव थीटा, थीटा थ्री सेवन थीटा, थीटा फोर नाइन थीटा, रख दो कितना आंसर आ जाएगा, टेन ऑफ थीटा वन थ्री थीटा, थ्री थीटा प्लस फाइव थीटा प्लस सेवन थीटा प्लस का नाइन थीटा, और डिवाइड में क्या आता है, एन आता है, डिवाइड में क्या आता है, एन आता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हो, कितने टर्म्स हैं, वन टू थ्री फोर, कितने टर्म्स हैं, कितने एंगल्स हैं, वन टू थ्री फोर, जितने एंगल्स उतने टर्म्स डिवाइड कर दोगे, है ना। तो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर चार एंगल्स हैं, और डिवाइड क्या हो जाएगा, फोर, ये कितना आएगा, ट्वेंटी फोर आना चाहिए, नाइन सेवन सिक्सटीन, सिक्सटीन फाइव ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन थ्री कितना होगा, ट्वेंटी फोर, आंसर क्या आ जाएगा, टेन ऑफ 24 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा टेन ऑफ 6 थीटा। किसी दिन टाइम मिलेगा तो सी प्लस डी से करवा देंगे, नहीं इसको आप अपने आप से करोगे, कुछ भी नहीं क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 एंड सो ऑन साइन थीटा एन डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 एंड सो ऑन कॉस थीटा एन इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा एन डिवाइड बाई एन होल एन, ठीक है। आपने डिवाइड किया थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 की वैल्यू रखी, फोर्स डिवाइड करिए, आंसर कितना आ जाएगा, टेन ऑफ 6 थीटा। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना ट्रिकी हो जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जेम में आते हैं यार, है ना, हर जगह पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दे देगा आपको, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था, आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते, अगर 90 रख देंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो 90 रख नहीं सकते, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, जीरो रख देंगे तो पूरा देखो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो आंसर मैच नहीं करेगा, है ना। तो करेंगे क्या, 90 जीरो बीच में कुछ भी रखते हैं, 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, तो 45 रख दीजिए आप, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो 3 × 45, 5 × 45, 7 × 45, 9 × 45, कितना होता है 45, है ना। आप 3 चल रहे हो ना, आपको साइकिल की हेल्प पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप कर लेना इसको, है ना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आप दोनों मेथड हो गए, सिंपली ये तरीका याद रख लो, सबसे बेस्ट ये है, ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद जल्दी से, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाना है, इसीलिए मैं क्या करूंगा कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर लिखिए, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, देन एम स्क्वायर एन पावर 2/3 एम एन स्क्वायर 2/3 इक्वल्स। तो आप अगर नॉर्मल वे में करोगे क्वेश्चन को तो क्या करोगे, यहाँ पर एम और एन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पर एम एन की वैल्यू को पुट करोगे, फिर पावर देखो फ्रैक्शन आ रही पावर यार, तो कितना टफ चला जाएगा ना। तो ये न्यूमेरिकल्स आपका बेसिकली किसका है, ये शायद मुझे लग रहा है आर डी शर्मा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप कर लीजिएगा, आर डी शर्मा क्वेश्चन है, इसको मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, बट मैं शॉर्ट वे बताता हूँ कैसे होगा, ऐसे करो नॉर्मल वे में 15 से 20 मिनट तो आपको ले ही जाएगा मिनिमम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसके लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, कि आपको 11th मेथड नहीं लगाना है। हाँ, कहीं आपको ऑब्जेक्टिव अगर मिले मल्टीपल चॉइस तो वहाँ पे आप लगा दीजिए बेहिचक, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या करते हैं, मैंने क्या बोल रहा था, जब ऐसा कभी कुछ मिले तो एम इज इक्वल टू एन ले लेना पहले, तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जे ले लेना है, क्योंकि एम एन कुछ भी हो सकता है, वो देखो एम और एन कुछ भी हो सकता है। आपने एम इज इक्वल टू एन ले लिया है, फिर किसको वेरी कराओगे, एंगल को, ठीक है। तो थीटा और थीटा कितना लेते थे, या तो जीरो ले ले, है ना, या 90 ले ले, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो,
है ना, ठीक है। तो m इज इक्वल टू n आपने ले लिया, सिंपल m इज इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो जब m इज इक्वल टू n हो गया है, पहली कंडीशन हो गई, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर इंटू m, m क्यूब हो गया पावर 2 बाई 3 प्लस यहाँ हो गया होगी m इंटू n इंटू n स्क्वायर, क्या बन जाएगा n क्यूब। यहाँ पे m इज इक्वल टू n रख दीजिए, यहाँ पे n इज इक्वल टू m रख दीजिए, पावर क्या होगा 2 बाई 3। अच्छा ये क्या बन जाएगा m प्लस n, बन गया नहीं बन गया, क्लियर है इतना, आपने क्या लिया यहाँ पे m प्लस n बन गया। दूसरी चीज जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब दूसरा मैंने क्या बोला था आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल हमको m और 1 n ले लिया, अब हमको थीटा को वेरी कराना है एंगल को। अब एंगल क्या रख दे यहाँ पे सिमेट्री से देखो, अगर थीटा को जीरो रख दोगे तो इन कॉस इन्फिनिटी जीरो, कोसेक जीरो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, 90 रख दोगे तो सेक जीरो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जीरो नहीं रह सकते हैं 90 नहीं रह सकते हैं, सेक 90 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो 90 रह सकते हैं, बीच में कुछ रख दें 30 रख दो है ना, तो आप क्या रखो 45 रख दो, सबसे सिंपल एंगल क्या है 45 डिग्री। तो थीटा अगर 45 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, तो एम इज इक्वल टू एन तो आना ही है, एम इज इक्वल टू एन आना है, देखो थीटा 45 पे एम इज इक्वल टू एन ही आएगा, ये कितना होगा कोस 45 रूट टू, रूट टू माइनस सेक साइन 45 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू एम है, ठीक है, सेक 45 1 बाई रूट टू और कॉस 45 सेक 45 रूट टू माइनस कॉस 45 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू क्या है एन है, आ गया, ठीक है, क्या हो गया सॉल्यूशन, आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है दोनों इक्वेशंस को अब क्या कर दोगे ऐड कर दोगे सिंपल, तो आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है एम क्यूब की पावर 2 बाई 3 प्लस एन क्यूब की पावर 2 बाई 3 वेयर है ना, आपका इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा और रूट टू प्लस रूट टू माइनस का 2 बाई रूट टू, क्या रहा है रूट टू प्लस रूट टू माइनस का 2 बाई रूट टू, ठीक है, ये आएगा एम प्लस एन आपने ऐड कर दिया, एम ये है एन ये है, तो एम कितना है रूट टू प्लस रूट टू है ना, और एन कितना है रूट टू। अच्छा एक मिनट और एक मिनट और एक मिनट और, जब इसको आप करोगे तो यहाँ स्क्वायर बचेगा ना, ये क्या बचेगा एम स्क्वायर, ये क्या बचेगा एन स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से एम स्क्वायर बचेगा एन स्क्वायर बचेगा, 3 कैंसिल आउट, एम स्क्वायर बचेगा एन स्क्वायर बचेगा, ये गलती मत करना, ठीक है। तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर आपको यहाँ से एम आ गया, तो एम स्क्वायर क्या होगा यहाँ से एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट टू स्क्वायर क्या होगा टू प्लस का बी स्क्वायर, वन बाई रूट टू स्क्वायर क्या होगा वन बाई टू, मतलब इसके को पूरे का होल स्क्वायर कर रहे हैं और माइनस का टू आ जाएगा है ना, देखो आया, और यहाँ से टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट है ना, तो यहाँ से क्या आ गया हाफ आ गया, एम स्क्वायर अगर हाफ है तो एन स्क्वायर भी क्या होगा हाफ होगा, होगा नहीं होगा, एम एन स्क्वायर कितना आ गया हाफ आ गया, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो कितना आ जाएगा हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन, आंसर क्या आएगा आपका वन। तो वो कितना सिंप्लीफाइड तरीका है, पहले क्या लिया m इज इक्वल टू n ले लिया पहली बात, तो क्यों क्योंकि तो पावर यहाँ 3 दिख रही है यहाँ 2 है यहाँ 1 है, अगर दोनों ऐड हो जाए कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और वो हमारा क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब 3 पावर कर दिया तो 3 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बचा। अब क्या करना है आपको m n निकाल लो, थीटा रख के थीटा कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, बट 0 लोगे इन्फिनिटी आ जाएगा, डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया थीटा इज इक्वल टू 45 ले लिया, यहाँ 45 यहाँ 45 यहाँ 45 यहाँ 45, तो ये क्या बन गया रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू, रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू बन गया, ठीक है। उसको हमको निकालना क्या है m स्क्वायर निकालना है, तो m का होल स्क्वायर कर दिया, n का होल स्क्वायर कर दिया, जब होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल आउट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 कैंसिल आउट, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1 हो गया, आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया 1। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो कितने ट्रिक्स लगा के कितना आसान हो जा रहा है, ठीक है। ये आपके सब्स्टिट्यूशन जो सोचने वाली है कि आप कैसे मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं बोल सकते हो इसे है ना, तो ये क्या होगा आपका कैसे आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली सॉल्व कर रहे हो, कैसे आप अपने लॉजिक लगा रहे हो, क्या आपने सीखा है मैथ से उसका एप्लीकेशन कहाँ है, एक्चुअल एप्लीकेशन है ये कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। सब लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ें इंटीग्रेशन पढ़ोगे, यही चीज़ें होती हैं डिफाइन करती हैं कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो और कितने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक मेथड तो था आप डायरेक्टली वैल्यू रखोगे आंसर तो आ जाएगा आपका, बट वो लेंथी प्रोसेस होगा, ठीक है। आपको सिलेक्शन के लिए लेंथी प्रोसेस चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, या आपको भी पता है, ठीक है। तो करना क्या है आपको सिंपल सब्स्टिट्यूट करके देखो दोनों वैल्यूज को है ना, बस उसकी रेंज याद रखना कि कोई वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर श्योर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो लॉन्ग मेथड लगाना आराम से, ठीक है, तब कोई रास्ता नहीं बचता है। मैंने क्या बोला था एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए है ना, आपको सब्स्टिट्यूट करना है थीटा और फाइव को, दो वेरिएबल है थीटा एंड फाइव, आप थीटा और फाइव को ऐसा कुछ अज्यूम करो कि एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाए, ठीक है। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या सकते हैं, टेन थीटा यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 5 प्लस 1 है, ठीक है। किसी भी तरह हम LHS इज इक्वल टू RHS कर दें तो एक काम करें, अगर tan 5 को 0 कर दिया जाए और tan थीटा को 1 कर दिया जाए,
इफ टैन फाइव इज इक्वल टू जीरो, इफ टैन फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड टैन थीटा इज इक्वल टू वन, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू जीरो स्क्वायर और प्लस वन, मतलब वन इज इक्वल टू वन है, इक्वेशन सेटिस्फाइड है नहीं है, मतलब मेन कंडीशन क्या आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो टैन फाइव कितना होगा, जीरो होगा और टैन थीटा कितना होगा, वन होगा, तो आपकी इक्वेशन क्या सेटिस्फाई है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू वन है तो टैन थीटा इज इक्वल टू वन, थीटा कितना आ जाएगा पाई बाई फोर या 45 डिग्री आगे 45 डिग्री। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, टैन फाइव इज इक्वल टू जीरो है, दूसरा क्या है, टैन फाइव इज इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ से फाइव कितना आ जाएगा जीरो डिग्री, मतलब थीटा कितना होगा पाई बाय फोर डिग्री, और फाइव इक्वल टू, जब थीटा पाई बाय फोर होगा फाइव कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पर कर दो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वो क्या है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये तो यही नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, आप डोमेन चलती है, अलग अलग एंगल्स पे आपको वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको थीटा मिल गया, मतलब जब आपका थीटा 45 होगा तो फाइव को जीरो डिग्री होना पड़ेगा, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वन इज इक्वल टू वन होगा। अच्छा यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री, कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 इंटू 45 है ना, और प्लस का साइन स्क्वायर जीरो डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, यहाँ गया कॉस 90 प्लस का साइन जीरो, ये साइन जीरो जीरो होता है और कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितना आ जाएगा जीरो, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया जीरो, जल्दी से अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या मिल गया जीरो। कुछ भी क्वेश्चन में देखो मैजिक चल रहा है, बिल्कुल भी मैजिक है, देखो जरा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है यार, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे बहुत ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, है ना, सोचना आप करना नहीं होगा, मैं बताऊंगा दूसरा मेथड, ठीक है, लेकिन आप इस मेथड से करोगे एक बार, जितने क्वेश्चन सोचे थे कि आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ सारे हो जाएंगे, बट हाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो हो जाएंगे जो आपके लेवल पे आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, ठीक है, उसमें से आपने 10 क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व कर लिए, तो 10 क्वेश्चन मतलब कि 10 सेकंड में एक क्वेश्चन, तो मतलब 100 सेकंड में आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 100 सेकंड में, मैं 100 से मतलब 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड में आपने 2 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यही किया मैथ्स के, इससे बड़ी बात क्या होगी, आपका अचीवमेंट यार। ठीक है, ये हो चाहे जिस कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, ठीक है, तो आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूट करना, देखना बस आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए जो गिवन कंडीशन है, अगर ये बैलेंस है थीटा और फाइव के लिए तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, देखो जादू छा है, इसे जादू बोलते हैं, इसे मैजिक बोलते हैं, इसे मैजिक बोल सकते हो, है ना, सिंपल तरीका है बिल्कुल, है ना। ठीक है, अच्छा ये ट्रिक्स आएंगी, इसके बाद मैं कुछ तरीके बताऊंगा, तो आपका परेशान हो तो बहुत कुछ पढ़ाने को, बहुत कुछ आपको सीखने को, ठीक है, आप बने रहो ऐसे ही, बहुत कुछ पढ़ाने को, बहुत ज़्यादा सीखने को है आपको, अगर अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, है ना, क्योंकि मुझे जब आप कमेंट करते हो अच्छा, या कुछ आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ी एनर्जी आती है, तो अच्छा कंटेंट मेरा भी मन होता है कि कुछ अच्छा पढ़ाओ, है ना, अब पता चलता है लाइक ही नहीं पड़े सब्सक्राइब नहीं पड़े तो पढ़ाने का मतलब ही क्या है, है ना। ठीक है, तो अब ये यार ये चीज़ होती है ना कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो क्यों यार अपना टाइम वेस्ट करो या एनर्जी लॉस करो। ठीक है, तो आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको सब कुछ यही मिल जा रहा है ना, अदर चैनल आपके पैसा लेंगे, ठीक है, तो आप इधर उधर भागोगे, हाँ कंटेंट मिलेगा आपको, बट 10 चैनल बदलने पड़ेंगे आपको, 15 चैनल बदलने पड़ेंगे तब कंटेंट मिलेगा, ढूंढोगे 10 घंटा, आपको एक चैनल पर सब कुछ मिल जा रहा है। मैं प्ले लिस्ट भी अलग कर दूंगा, ITJEE की अलग कर दूंगा, बोर्ड की अलग कर दूंगा, क्वेश्चन सब कुछ दे दूंगा आपको, 15-6 महीने में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा फुल मैथ्स का, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर जो बंदा सेल्फ करना चाहेगा सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, बस रेगुलरिटी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो जितना बोलना उतना करना है आपको, जितने मैथड्स बता रहा हूँ आप एडॉप्ट कर लीजिए, सीख लीजिए अच्छे से, मेंस तो आराम से हो जाएगा, एडवांस के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है।